दिन है लगातार अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। 400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर आज बुलडोजर चलेगा। आज 85 निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। अब तक 155 मकानों दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका है जो अतिक्रमण के दायरे में थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेक्टर रोड से अतिक्रमण लगातार हटाए जा रहे हैं, तो जेडीए की टीम लगातार लगी हुई है। आज तीसरा दिन है जब अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। यहां पर 100 फीट रोड में आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम जेडीए की टीम और प्रशासनिक अमला साथ में मिलकर कर रहे हैं, और इस दौरान कई घनी आबादी वाले इलाकों में भी रोड को चौड़ा करने का काम किया गया है, अतिक्रमण को हटाया गया। लगातार आज तीसरे दिन भी बुलडोजर चलेंगे और उन अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, सीधे रोशन का रुख करेंगे। रोशन, आज तीसरा दिन है, आज कहां कहां जो अतिक्रमण है वो ध्वस्त किया जा रहा है और कब से कार्रवाई शुरू हो रही है? देखिए, ये जो कार्रवाई देखिए हेमंत, ये जो कार्रवाई हो रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें विकास कार्यों को लेकर, डेवलपमेंट कार्यों को लेकर जो सेक्टर रोड थी उसे ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज 85 से ज्यादा जो निर्माण है उनके ऊपर बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। 100 फीट ये जो सेक्टर रोड है इसके अतिक्रमण में ये जो निर्माण बाधा बने हुए थे उन्हें इस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ऐसे जो सैकड़ों निर्माणों को अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है और आज करीब ये जो 85 जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर कहा जा सकता है कि इन अवैध निर्माणों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है वो हाईकोर्ट के निर्देशन में चल रहा है। यहाँ की आसपास की जो कॉलोनियों के लोगों ने PIL फाइल करी थी कि उनके जो मार्ग के अंदर ये जो अतिक्रमण है वो बाधा बने हुए थे, उसके बाद में हाईकोर्ट ने ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। तर आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में जो JDA का जो प्रशासनिक अमला है वो मौजूद है। मेरे सहयोगी शेर सिंह यहाँ पर ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो JDA की कार्रवाई है वो आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि JDA का जो बुलडोजर है वो गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके के कई जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर मौजूद है, करीब एक दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे सहयोगी शेर सिंह वो दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारी संख्या में जो JDA का जो पुलिस अमला है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और जो यहाँ पर जो अवैध जो अतिक्रमण है उन्हें हटाने की यहाँ पर जो कार्रवाई है वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि चारों ओर भारी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस जो बल है वो यहाँ पर तैनात है। लोगों से यहाँ पर जो समझाइश कर यहाँ पर सबसे पहले जो निर्माण है वो यहाँ पर हटाए गए। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो 100 फीट सेक्टर रोड है जो न्यू सांगाने रोड से वंदे मातरम जो मार्ग है उसको यहाँ पर ये जोड़ती है और उसके अंदर ये जो निर्माण है वो बाधा बने हुए थे। ऐसे में JDA ने इस सेक्टर रोड के अंदर आ रहे करीब 251 निर्माणों को चिन्हित किया था ध्वस्त करने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि एक जो पूरी कॉलोनी की कॉलोनी है वो अभी कुछ ही देर में उजड़ने वाली है। यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो मेरे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉलोनी है वो यहाँ से जो जब JDA का जो बुलडोजर है वो गुजरेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खुद अपने मकानों को यहाँ पर हटाने में यहाँ पर लगे हुए। आप देख सकते हैं कि चारों ओर यहाँ पर जो है जो JDA की कार्रवाई तोड़ फोड़ वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इधर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो कई ऐसे जो घर बने हुए थे, आप लोगों के घर बने हुए जो ये घर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी टूटेगा। किस तरीके की जो परेशानी है यहाँ पर लोगों को जो हो रही है वो देखा यहाँ पर जा सकता है कि जो बड़ी संख्या में जो लोगों ने अपना जो घर है जो सामान है वो यहाँ पर बाहर यहाँ पर रख दिया है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये जो लोग इन घरों के अंदर रह रहे थे अब वो उन्होंने अपना जो सामान है वो बाहर रख दिया है। वहीं ये सामने की ओर ये जो 100 फीट सेक्टर रोड है इसके अंदर जो तमाम जो निर्माण है वो अतिक्रमण बने हुए थे उन्हें हटाया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो सीधा जो सेक्टर रोड है वो वंदे मातरम मार्ग को कनेक्ट करता है। इस मार्ग के अंदर करीब 250 से ज्यादा जो निर्माण है वो अवरोध बने हुए थे उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है आज तीसरे दिन भी देखी जा सकती है कि जो JDA का जो प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, इन तमाम जो निर्माणों को
हटाया यहां पर जा रहा है कि आप ये जो निर्माण जो अब तक एक जो डेवलपमेंट के कार्य में जो बाधा बने हुए थे, अवरोध बने हुए थे, उन्हें यहां से हटाया ही जा रहा है। कि इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो JDA का बुलडोजर है वो एक एक करकर इन निर्माणों को चिन्हित करकर जो डिमार्केशन का जो काम है वो करकर ये जो कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। जो है सहयोग भी कर रहे हैं JDA कार्रवाई का, लेकिन हालांकि कुछ लोग भी हैं जो कार्रवाई का छिटपुट तरीके से विरोध भी नजर आ रहा है उनको।